अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जी इसके ऊपर। ये जैस्मिन प्लांट है हमारा, तो ये काफ़ी जो है पुराना प्लांट है मेरे पास बड़ा। तो इसको मैंने पहले छोटे पॉट में लगाया, फिर मैंने बड़े पॉट में लगाया, तो बड़े पॉट में मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिला। तो ये देखें इसका जो ट्रंक लेवल है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ये कितना थिक हो चुका है अब। तो इसकी जो ये ब्रांचेज हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से भी ग्रो आगे हो रही हैं। तो इसको मैंने अभी तक किसी किस्म की खाद मैंने इसमें नहीं डाली। इसकी तो मिट्टी भी काफ़ी रफ़ मिट्टी है, जो इसमें रेत जो है ना, ये देखें ये किस तरह की मिट्टी है जो इसमें यूज़ हो रही है। काफ़ी रफ़ सॉइल है जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें इसमें क्या क्या जो है पहले से ग्रो हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ से एयर लेयर भी किया काफ़ी दफ़ा, एयर लेयर, ये एयर लेयर से भी जैसे मैंने प्लांट जो है वो तैयार किया, तो मुझे काफ़ी वो इसका अच्छा मिला। और जो इसके मंथ होते हैं जी, वो ये जो फ्लावरिंग करता है जी, वो हमेशा जब समर सीज़न स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले इसकी जो फ्लावरिंग है वो होती है। ये देखें जी, ये हमारा जो प्लांट जैस्मिन का प्लांट जो हमारा, इसकी न्यू शूटिंग्स भी उस वक्त ही निकलेंगी जब इसका समर सीज़न शुरू होगा। तो इसको हम लगाते ही इसलिए हैं कि इसे हम फ्लावरिंग हासिल कर सकें। और इसको वैसे मैं रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो रात के टाइम इसको ज़्यादा लोग जो हैं इसके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करते, लेकिन मैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक वैसे भी प्लांट जो है वो दूसरा, तो कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें देखें मैंने क्या कौन कौन से प्लांट, ये देखें ये पटूनिया भी लगाया हुआ है मैंने, और भी काफ़ी प्लांट्स जो हैं। इसमें किसी किस्म की खाद नहीं यूज़ की, इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इशू नहीं है। खाद वाला जो होता है नॉर्मल सॉइल है जो यूज़ हो रही है, क्योंकि इस तरह की सॉइल में तो जो फर्टिलाइज़र है वो भी अच्छे तरह, जो खाद है वो भी अच्छे तरीके से जो इस सॉइल में जो है वो, इस तरह के सॉइल में तो जी फर्टिलाइज़र भी अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मिट्टी उस तरीके की नहीं है, उस लेवल की नहीं है। ये देखें जी किस तरह के सॉइल में ये जो ग्रो हो रहा, तो ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ इसमें पड़ी है जो डिकम्पोज हो चुकी है। ये देखें ये जो लहसुन का प्लांट होता है जी, गार्लिक प्लांट होता है, वो भी लगाया था तो उसने भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा ली है। इसको मैंने अभी तक किसी किस्म का जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने नहीं दिया, या मैंने किसी किस्म का इसमें कोई खाद डाली हो, काउ डंग कंपोस्ट, किसी किस्म के लिक्विड एनपीके जो है वो मैंने इसके इसे दिया, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स को भी मैं हर 15 दिन के बाद जो है वो देता हूँ, तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है विंटर सीज़न में, और आगे ये अपनी न्यू शूटिंग्स भी जो है वो भी निकालेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।